कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यह आवाज़ है कवि कुंवर नारायण की, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले में हुआ, जिन्होंने पूरी दुनिया की भाषाओं में अपनी आवाज़ दी, जो बच्चों की बोली में अपनी बात कह रहे हैं, जो बच्चों की किताबों में अपनी बात कह रहे हैं। ये आवाज़ है उस कवि कुंवर नारायण की। बच्चे आपकी कविताएं पढ़ रहे हैं, उनके मन में सवाल उठता है कि किस उम्र से आपने कविताएं लिखनी शुरू की? कविताएं तो मैंने बहुत बाद में लिखना शुरू किया, लेकिन कविताओं की ओर आकृष्ट हुआ जब कविताएं पढ़ना शुरू किया। शब्दों की दुनिया है और शब्द भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम जीवन में प्रवेश करते हैं। तो इसकी शुरुआत यही कह सकते हैं कि पढ़ने से ही लिखने की शुरुआत होती है। पहली बार जब कविता छपी तो उसकी खुशी आज इतनी भाषाओं में आप छप चुके हैं, उससे अलग रही होगी। पहली बार मेरी कविताएं छपी थी जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तो हम लोगों की एक पत्रिका हिंदी की निकलती थी, उसमें कुछ कविताएं छपी थीं, लेकिन मुझे ठीक वो कविताएं याद नहीं हैं। ये याद है कि छपी पहली बार जब मैं स्कूल में था तब। अच्छा, आप जब लिखते हैं तो आपके सामने कोई पाठक होता है? कौन पाठक होता है वो? लिखते समय पाठक नहीं होता है, मैं समझता हूँ लिखते समय सिर्फ कुछ विचार हैं या कुछ भाव हैं जो मन में उठते हैं। और ये लिखने का कारण कोई भी चीज़ हो सकती है, एक शब्द मात्र हो सकता है, या एक ध्वनि मात्र हो सकता है, या एक बिंब हो सकता है, एक घटना हो सकती है। कविता जब शुरू होती है उसके आगे की कविता कविता खुद लिखवाती है अपने आप को। शुरुआत बहुत छोटे से कारण से हो सकती है। कोई ऐसी याद आ रही हो जिसका कविता के बनने की प्रक्रिया कैसे बनी, कैसे आपके मन में आई? जैसे एक कविता मेरी सागर के किनारे बहुत पहले छपी थी चक्रव्यूह में। काफ़ी समय मैं जुहू रहा शुरुआती दिनों में, तो अक्सर घूमने जाता था, समुद्र के किनारे बैठा रहता था। उस समय नहीं मालूम हुआ कि ये कविता का रूप क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर लगता था कि समुद्र है, सागर है, तट है, लोग हैं, इन सब के से एक कोई अंतर प्रतिक्रिया होती रहती थी। फिर जब लिखने बैठे या कभी ऐसा लगा कि लिखना चाहते हैं, तब उस दृश्य के कुछ बिंब दिमाग में आते रहते हैं। ये प्रक्रिया वहीं ख़त्म नहीं हो गई जब पहली कविता लिखी। सागर के ये बिंब बाद में भी तमाम कविताओं में आते रहते हैं ऐसा। तो शायद इसको कह सकते हैं कि इस तरह से शुरू होती है। ये हो सकता है एक भाव भी हो सकता है। आप कई वर्षों से लिख रहे हैं, इस दौरान आप कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई पाठक नहीं होता, लेकिन क्या अब आपको ऐसा लगता है, क्योंकि शुरुआत जब कभी करता है तो स्वांतः सुखाए ही लिखता है, जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में होता है कि छपेगी ये कविता, किसी के सामने जाएगी, वो कौन है, वो लक्ष्य एक कहीं तो होता होगा। आज कुछ बदलाव अगर हुआ हो, कुछ ऐसा नहीं महसूस होता है? आपके सवाल की शुरुआत अच्छी है। स्वांतः सुखाय ज़रूर होता है, चाहे वो बाद में फिर रघुनाथ गाथा में ही विकसित हो जाए जी। लेकिन शुरू में जब तक हमको खुद अपने अंदर से ये प्रेरणा नहीं मिलती,
कि हम ये लिखना चाहते हैं। लिखना हो सकता है कि बहुत निजी हो, बहुत पर्सनल हो, लिखते समय उसका साधारणीकरण हो और हमारे मन में यह आए कि ये बात इसको सुनने वाले, इसको पढ़ने वाले कहीं और लोग भी हैं, तो ये और लोगों का जो आभास है, उनकी जो उपस्थिति है, वो कहीं ज़रूर एक कविता के बनने में भी सहायक भी होती है, कभी कभी बाधक भी होती है। लेकिन ये औरों में क्या कभी बच्चे और किशोर भी होते हैं आपके सामने? ज़रूर होते हैं। देखिए, माध्यम भाषा है जिसमें हम लिखते हैं, उस भाषा को जो भी बोलता है वो एक तरह से हमारा पाठक हो जाता है। उस पाठक में छोटे से बड़े तक, स्त्री पुरुष बच्चे सभी शामिल होते हैं, तो इसकी अवेयरनेस बहुत सीधी अवेयरनेस तो नहीं होती है जी। लेकिन परोक्ष रूप से भाषा के माध्यम से ज़रूर हम थोड़ा कभी कभी सचेत होते हैं कि इसके पढ़ने वाले कई तरह के लोग हो सकते हैं। आपने तो कविताएं, गद्य सब कुछ लिखा है, कविता लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको या गद्य लिखना? कविता ही मेरी विधा है जी। वैसे गद्य में भी मुझे कोई कठिनाई नहीं होती है लेकिन मैं प्रेफरेंस या प्रमुख रूप से कविता। क्या कभी यह भी लगता है कि कोई खास भाव, कोई खास विचार केवल कविता में ही लिख सकते हैं? ऐसा अक्सर लगता है, जो बहुत ज़्यादा कल्पना प्रधान चीज़ें होती हैं या जिनको हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं, उसके लिए अक्सर मुझे लगता है कि शायद कविता ज़्यादा उपयुक्त माध्यम है। ऐसा कभी आपके मन में आया कि इसको मैं कविता में ही सिर्फ लिख सकता हूँ, इसको मैं गद्य में नहीं लिख सकता, कोई ऐसा? जैसे आत्मजयी लिखते वक्त जी मेरे मन में ये था कि जो भी अनुभव जीवन और मृत्यु का मुझे हुआ उस समय, उसके लिए शायद कविता सबसे उपयुक्त माध्यम है। वो अगर गद्य में लिखूंगा तो वो फैल बिखर जाएगा, ये बात पूरी तरह से पकड़ में नहीं आएगी। ऐसा मुझे कई कविताओं में भी महसूस होता है कि इनकी प्रकृति कविताओं की, वो खुद मालूम हो जाता है लिखते समय कि ये बात जो है वो कविता में ही अपने को लिखवाना चाहती है या गद्य में भी लिखवा सकती है। तो इसके इंडिकेशंस के संकेत स्वयं ही जिस माध्यम में मैं लिख रहा हूँ उससे मिल जाते हैं। जैसे कहानियाँ लिखते समय मुझे अक्सर ये लगा कि ये बात बीच में, कि इसको मैं शायद कविता में बेहतर कहूँगा, लेकिन फिर खुद जैसे कविता या कहानी ने ही एक संकेत दिया कि नहीं, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, शायद ये बात मेरे माध्यम से बेहतर आएगी। तो इस तरह का एक संवाद कविता के साथ या दूसरे माध्यमों के साथ बराबर चलता रहता है। अच्छा, जब कविता लिखते हैं उस वक्त आपके मन में जैसे कभी ध्वनियाँ पहले आती हैं, शब्द पहले आते हैं, बिंब पहले आते हैं, क्या पहले आते हैं? इतना क्रम से नहीं होता है, धीरे धीरे संकेत मिल जाते हैं कि इसमें हमें क्या ध्वनियाँ लानी है, क्या भाव लाने हैं, क्या विचार लाने हैं। तो मैंने हमेशा ही, जैसा अभी आपसे कहा, कि कविता के साथ एक संवाद रखना बराबर ज़रूरी समझा, ये सोच के नहीं कि मैं कविता लिख रहा हूँ, बल्कि ये भी सोच के कि कविता अपने आप को मुझसे लिखवा रही है, तब एक बहुत ही दिलचस्प जीवित संवाद उस माध्यम के साथ बनता है जिसमें मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। एक अजीब सी स्थिति आ गई है कि कविता हाशिए पर दिखाई पड़ने लगी है, कुछ ऐसी चीज़ें आन पड़ी हैं और लगता है जैसे कि सदी के अंत तक पता नहीं इसके पाठक बचेंगे कि नहीं बचेंगे, यानी कविता से पाठक का संवाद नहीं हो पा रहा है, कहीं ऐसा भी कुछ लगने लगा है आपको? पहली बात, ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जा चुका है, फिर भी इसका उत्तर यही देता हूँ कि हाशिया कविता के लिए बुरी जगह नहीं है, वो वही है कबीर का राम झरोखा जिसको कहते हैं, वहाँ से तो पूरी दुनिया दिखाई देती है, और भीड़ भाड़ में अगर कविता चलेगी बीच सड़क पर तो कुचल जाएगी या खो जाएगी, तो ये तो बड़ी अच्छी जगह है देखने के लिए। बल्कि एक छोटा सा मैंने एक शेर भी लिखा था, शेर वैसे लिखता नहीं हूँ कभी कभी, सिर्फ शौकिया, कि सुना है कि कविता वहीं अब बचेगी, ज़रा हाशिए को भी रखना नज़र में। वाह, बहुत अच्छा।
अच्छा, एक इसी इन्हीं सबसे जुड़ी हुई चीज़ है कि चूँकि आने वाले समय में ऐसा एक लगता है कि कहीं कुछ है जो आज का पाठक, जो नया पाठक है, वो नया पाठक कविता को सिर्फ किताबों में कैद एक पाठ की तरह देखने लगा है, कविता से उसका संवाद नहीं हो रहा है, ये बात तय है कहीं ना कहीं। तो ऐसा क्या होना चाहिए, कवि क्या कर सकता है, एक लेखक क्या कर सकता है इसके लिए कि कविता से संवाद बन पाए हमारे नए पाठकों का? हमारे ख्याल में भाषा के स्तर पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी भाषा हो जो कि दूसरों तक पहुंच सके आसानी से। लेकिन इस कोशिश में मैं मीडिया का बहुत बड़ा हाथ समझता हूँ होना चाहिए। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कि कविता को, साहित्य को पाठक तक पहुंचा सकती है, और दूसरी चीज़ एक सीधा संवाद कवि का और श्रोताओं का होना चाहिए, काव्य पाठ होने चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए जी। तो ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं जो कविता लिखने से जिनका ताल्लुक नहीं है, बहुत ही व्यवहारिक ढंग की ये ज़रूरतें हैं जिनको अगर पूरा किया जाए तो शायद कविता लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि मैंने जहाँ भी काव्य पाठ किया मैंने देखा कि लोग उसको बहुत आसानी से कविता को पकड़ पाते हैं, उनका रिस्पांस मिलता है। अच्छा, चलते चलते एक सवाल कि क्या आप क्यों लिखते हैं? कविता एक आदमी और आदमी के बीच संबंधों की एक अलग तरह की भाषा है, जो आज की व्यवसायिक दुनिया में जिस तरह के संबंध बन रहे हैं उससे थोड़ा अलग है। मैं समझता हूँ इस भाषा को जीवित रखना बहुत ज़रूरी है और ये काम कविता बखूबी कर सकती है। एक लिखने का बहुत बड़ा कारण मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत ज़्यादा व्यावसायिक व्यवहारिक दुनिया में रहते रहते हमारी ये जो अंतरंग भाषा है, हमारे सुख दुख की भाषा है, हमारे आपसी संबंधों की भाषा है, ये बनी रहे, ये विलुप्त न हो जाए, इसको जीवित रखने की एक बड़ी लालसा है जिसकी वजह से मुझे कविता आकृष्ट करती है। एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। अंग्रेज़ों से नफ़रत करना चाहता जिन्होंने 2 सदी हम पर राज किया, तो शेक्सपियर आड़े आ जाते जिनके मुझ पर न जाने कितने एहसान हैं। मुसलमानों से नफ़रत करना चाहता तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते। अब आप ही बताइए, किसी की एक भी चलती है उनके सामने? सिखों से नफ़रत करना चाहता तो गुरु नानक आँखों में छा जाते और सिर अपने आप झुक जाता उनके सामने। और ये कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी, लाख समझाता कि ये मेरे नहीं, दूर कहीं दक्षिण के हैं, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं बिना उन्हें अपनाए।